सरोकार। विकास नगर क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की रोड धसी है, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वेज इंडिया टीम मौके पर मौजूद है। लखनऊ में रोड धसने का मामला सामने आया है। सुबह 9:30 बजे के बीच रास्ते में धसी सड़क, दो बाइक सवार हादसे का शिकार होने से बचे हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। विकास नगर थाना क्षेत्र स्थित लोहिया नगर वार्ड का मामला बताया जा रहा है। नगर वार्ड में सेक्टर 1 और 2 के बीच का मामला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव का। रितेश, नगर निगम क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की रोड धसी, क्या वजह है अचानक से रोड धस गई? देखिए भाई, जो लखनऊ का सिटी रोड से एरिया है सबसे देखता, जहाँ पर ये रोड बैठ गई है अचानक, इसका कारण ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक सीवर का पाइप डालने का काम हुआ था। ट्रैंक सीवर यहाँ लाइन पड़ी है, ट्रैंक लाइन वो काफी बड़ी लाइन पड़ी हुई है, उस लाइन के ऊपर करीब 20 फीट की पटान की गई है, जो यहाँ तीसरी बार ये फंसी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो गड्ढा हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बना है। मैं एक बार कैमरा मैन से कहूंगा कि इस गड्ढे को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे जो ये गड्ढा हुआ है और कैसे हुआ है। यहाँ पे लोगों ने जो बताया है, जो तस्वीर है, उन्होंने ये बताया है कि जहाँ पर एक बस जा रही थी और बस का पिछला हिस्सा यहाँ पर अचानक फंस गया था, और फंसने की वजह से फिर अचानक से वो बस जब जिस तरह से आगे बढ़ती रही उस तरह से वो गड्ढा होता रहा, और होते होते करके ये काफी बड़ा हो गया। तो इस तरीके से गड्ढा जब बड़ा हुआ तो यहाँ पे ये गड्ढा और बड़ा होने के चलने लगा, यहाँ पे लोग इकट्ठा होने लगे और फिर कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बनता रहा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 लोग मोटरसाइकिल सवार थे और वो लोग भी यहाँ फंस गए थे, और किसी तरीके से उन्हें हमारे साथ यहाँ की पार्षद है जी, मैं उनसे जानना चाहूंगी आखिर यहाँ पे जो ये गड्ढा हुआ है, क्या मामला है, कौन लोग हैं इसमें संबंधित और कैसी समस्याएं हैं इसमें। उस समय 2007 से 14 के बीच में जिसको जल निगम की तरफ से जिसको कार्य मिला था, मैं यही कहना चाहती हूँ बार बार कि इसको उनको कहा जाए कि मेन पॉइंट बनाया जाए, ये तीसरा गड्ढा है। ऐसे हो गया गैस ना निकलने की वजह से, ये आप समझिए गैस बन गई तो विस्फोट भी हो सकता है, हादसा हो सकता है, हादसा तो नहीं हुआ पर इतना बड़ा 20 फुट गहरा गड्ढा हो गया है। देखिए मेरी उन्होंने कहा कि यहाँ पे गड्ढा हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये सीवर का जो यहाँ पे गैस नहीं बनाया गया है, ना बनाने की वजह से ये इसका जो गैस है वो गैस निकल नहीं पा रहा, उसकी वजह से ये बार बार गड्ढे हो रहे हैं, और ये तीसरी बार हुआ है पूरी रोड से 2-1.5 किलोमीटर के अंतराल से ये तीसरा गड्ढा है, और ये तीसरी बार हुआ है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है, PNB के आगे जो बिजली घर है विकास नगर का, वहाँ पे एक बड़ा गड्ढा इस तरह से हो गया था, उसके बाद ये फिर PNB बैंक के पास हो गया था, अब ये लोहिया किराए के पास में शंकर जी की मूर्ति के पीछे इस तरह का बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया। रितेश, बड़ा गड्ढा हुआ है, बड़ा हादसा हो सकता था, क्या लगता है किसकी लापरवाही इसमें देखी जा रही है? अच्छा देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि पूरा ये रोड PWD के माध्यम की तरफ जाता है, लोक निर्माण विभाग के अंदर भी ये रोड आती है, लेकिन अब यहाँ पर कोई अपनी जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है, और ना ही यहाँ के स्थानीय पुलिस कोई है। यहाँ पे पुलिस कंपनी है, वो उनके कर्मचारी यहाँ मौके पर है, उन्होंने बैरिकेडिंग करके और रास्ते को बंद किया है, लेकिन अभी जो जवाबदेही है वो कहीं ना कहीं जल निगम की रही थी, लेकिन वो अपनी जवाबदेही देने से बच रहे हैं। अभी जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो डिपार्टमेंट को सौंपी गई है, लेकिन वो भी उनके लिए अधिकारी कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। बात करने के लिए हम उनको भी जानेंगे कि आखिर इस तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, जिस तरीके से रोडे लगातार धस रही है, क्या कहना चाहिए इस पर, आखिर कहाँ कमी आ रही, कहाँ कमी आ रही है, या तो आप लोग गलत दिखा रहे हैं या क्षेत्रीय नागरिक गलत बता रहे हैं। हमें तो कहीं गड्ढे नजर नहीं है, ये हमारे सरकार ने हमसे कहा है और हम उसी का पालन करेंगे, क्योंकि केवल एक ही सुनी जाती है, वो भी मन की बात, और यहाँ जो लोग समस्याग्रस्त हैं उनकी बात को सुनी और दिखाई भी नहीं दी जाती है, लोग बिल्कुल दिव्यांग बने बैठे हैं। जिम्मेदार विभागों का के ऊपर जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे ही रोज नजारे देखने को मिलेंगे। ये गड्ढा मुक्त हमारा लखनऊ हो चुका है, जैसा कि सारे अधिकारियों ने बताया है, और हम लोग देख भी रहे हैं अपने सामने कि ये जो भ्रष्टाचार की जो नींव पड़ी थी, जैसे आपके नगर निगम के अंतर्गत ये सीवर लाइन जो पड़ी डाली गई है, ये उसी का काम है, और किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ ये तो सामने दिख रहा है, लेकिन दिव्यांग जो हमारे जिम्मेदार हैं वो दिव्यांग बने बैठे हैं, उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब पता नहीं कब जागेंगे, या तो कोई हादसा बड़ा हो
वो उसके बाद ही कुछ सरकार निर्णय लेगी, अन्यथा किसी को कुछ नहीं दिख रहा, केवल मन की बात में। तो यहाँ के लोगों का ये भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से गड्ढा युक्त और गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है, तो गड्ढा मुक्ति से कहीं ना कहीं और गड्ढा युक्त होता चला जा रहा है शहर। तो ये दुर्घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटनाएं हैं इस गड्ढे के बिल्कुल सामने। हम एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार सामने गड्ढे के सामने दिखाएं कि विद्यालय भी एक स्कूल है बच्चों का, और इस स्कूल के जस्ट सामने ये होल हुआ है इतना बड़ा। ये तो गनीमत रहा कि यहाँ पर आज विद्यालय बंद था, एक बहादुर शहीदी दिवस के अवसर पर आज जो विद्यालय बंद थे, इस वजह से एक बड़ा आशा टल गया है। वरना ये विद्यालय था, यहाँ पर सुबह गाड़ियों का आना जाना लगा रहता, बच्चों की वैन जरूर यहाँ पर आती। जिस तरीके से आप देख रहे हैं गड्ढा बिल्कुल विद्यालय के सामने है, ये गनीमत रहा। सुबह 9:30 बजे का ये हादसा बताया जा रहा है। अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से अब इस रोड की जेवर की मरम्मत की जाएगी, किस तरीके से अब इसको बचाव का तरीका अपनाया जाएगा, क्योंकि ये तीसरा हादसा है, तीसरा बड़ा हादसा है और बड़ा हादसा चल गया है। अगर देखा जाए तो ये हादसा बहुत बड़ा बदल सकता है। जी रितेश, रितेश आप मौके पर मौजूद है, क्या अभी वहाँ कोई PWD का अधिकारी पहुँचा है या उनकी तरफ से कोई बात कही गई है अभी तक? देखिए, अभी तक यहाँ कोई भी लोक निर्माण विभाग का अधिकारी नहीं पहुंचा है। सुवेज कंपनी के लोग यहाँ पर हैं, जिन्हें सीवर मेंटेनेंस का काम सौंपा गया है लखनऊ में, उनके यहाँ कर्मचारी हैं, लेकिन PW डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी नहीं है। हमारी बात अभी मुख्य अधिशासी अभियंता से हुई है, फोन पर मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, अभी पहुंच रहे हैं, वहाँ पहुंच करके स्थिति का जायजा लेंगे और देखेंगे किस तरीके से गड्ढा हुआ है। हालांकि उन्होंने जो जानकारी दी है, उनका कहना है कि 2012 में ट्रैंक लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था, जो पूरे लखनऊ में काम चला था, तो जिस तरफ से भी रास्ता ही गया था, तो करीब इस नीचे जो गड्ढा है उसके ऊपर ये 20 मिट्टी पा करके पूरी रोड बनाई गई थी। गैस न निकलने की वजह से ये बार बार गड्ढे हो रहे हैं। अब ये जवाब यही तय करनी होगी कि जिम्मेदारी किसकी है, आखिर ये इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए इनको जतन करना है। जी रितेश, धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।